ज्ञान सिंह को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। आदरणीय मंच और उपस्थित विद्वान साथियों, राजेश जी ने एक लंबी भूमिका के रूप में इस सत्र की शुरुआत की है। उन्होंने विस्तार से राजनीतिक स्थितियों पर भी प्रकाश डाले हैं। विषय हमारा है कि साहित्य परंपरा और पृष्ठभूमि। मुझे लगता है थोड़ा सा छात्रों को ध्यान में रख के मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत कम समय में और बहुत जल्दबाजी में आया हूँ, इसलिए मुझसे बहुत ज़्यादा आप अपेक्षाएं मत करिएगा, लेकिन दो चार बिंदु आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। हम जब साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य खूब सुना है आपने, ढेर सारी उनकी परिभाषाएं सुनी हैं, लेकिन साहित्य अपने समय और समाज को अभिव्यक्त करता है, चित्रित करता है, साकार करता है। जिस समाज को, जिस समय को चित्रित करता है, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है और वह संस्कृति एक परंपरा से बनती है, उसकी एक लंबी परंपरा मिलती है। अतः साहित्य को समझने के लिए उस परंपरा को समझने का बोध हमारे पास होना चाहिए, इसी को परंपरा बोध कहते हैं। बिना परंपरा बोध के आप साहित्य को न समझ सकते हैं और न साहित्य को रच सकते हैं। तो साहित्य आपके लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तभी हो पाएगा जब वह किस पृष्ठभूमि में रचा गया है, उसमें परंपरा के कौन से उदात्त प्रगतिशील तत्व पिरोए हुए हैं और वह किन अर्थों में आने वाले समय को संबोधित करता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप विषय के साथ न्याय कर पाएंगे। उदाहरण के रूप में मैं लूंगा कि आप देखेंगे कि अगर हम साहित्य के इतिहास पर नजर डालें तो हमारे सामने भक्ति काल स्वर्ण काल के रूप में दिखाई देता है। पर आपको लगता है कि क्या वो अचानक बन गया होगा? क्या इतना विकसित साहित्य अचानक खड़ा हो गया? नहीं, इस समृद्ध साहित्य के जो बीज हैं वो हमें आदिकाल में मिले। इसी तरह आगे भी हमें जो भी साहित्य मिलता है, कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जो भी ये कालबद्ध अवधारणाएं हैं ये निरर्थक हैं। साहित्य एक सतत प्रवाहमान गतिशील चेतना का रूप है। हमारे विचारों और सिद्धांतों का समष्टिगत संज्ञा ही हमें उसे कहेंगे परंपरा। तो परंपरा में बहुत कुछ ऐसा है जो स्वीकार्य नहीं है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो छोड़ना पड़ता है और बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे अपनाना पड़ता है। यह कैसे संभव है? यह ग्रहण और त्याग के विवेक से संभव है। क्या छोड़ना है और क्या अपनाना है, इसका आपके पास विवेक होना चाहिए। और अगर यह विवेक आपके पास नहीं है तो आप कुशल सृजन धर्मी नहीं हो सकते, आप कुशल व्याख्याता भी नहीं हो सकते, और आप उस रचना में पिरोए हुए अर्थ को जो आने वाले समय को संबोधित करता है, उसकी प्रासंगिकता को निरूपित करता है, आप उसे भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए किसी भी साहित्य को समझने के लिए उसकी परंपरा की तह में जाना जरूरी होता है। ये एक बात है। अब इसको अगर मैं उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करूं तो थोड़ा सा, यहां चूंकि विद्यार्थी बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि हम कई बार आप सुनते होंगे कि कबीर, तुलसी, निराला, बहुत सारे कवियों का नाम ले सकते हैं, लेकिन कबीर और तुलसी की बात मैं के संदर्भ में कहूं तो कई बार उनका चित्रण, उनका व्याख्यान, उनकी विशेषताएं एक दूसरे के विरुद्ध आपको दिखाई जाते हैं। कई बार उनका चित्र इस तरह से आपके सामने आता है, ऐसा लगता है कि कबीर और तुलसी एक दूसरे के विरोध में। कभी आप सोचते हैं कि वह कालखंड जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, वह इतना महत्वपूर्ण कैसे बन पाया?
सगुण निर्गुण प्रेम मार्गी ज्ञान मार्गी राम भक्त कृष्ण भक्त नाना प्रकार की धाराएं होने के बावजूद भी वह पूरे जनमानस को संबोधित करने में उसे खड़ा करने में उसे बांधने में उसे आवाज देने में सफल हो जाता है। उसके माध्यम कुछ भी रहे आराधना के माध्यम कुछ भी रहे लेकिन चेतना का धरातल एक है, समझदारी का धरातल एक है और कहीं ना कहीं यह दृष्टि हम आज खो रहे हैं। अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी आज किसी भी चेतना के धरातल में एक साथ खड़े होने का साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहे, इसलिए कहीं वो संकट दिख रहा है जिसमें हमें लगता है कि कुछ परिणाम हमारे सामने नहीं आ रहा। अब देखेंगे उस काल में कि अलग अलग धाराओं के बावजूद चाहे वो प्रेम के नाम पर हो चाहे समानता के नाम पर हो चाहे न्याय के नाम पर हो सब एक है, कहीं कोई अंतर विरोध नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे सबका स्वर समान है, कहने की बातें अलग अलग हो सकती हैं, वो समझना पड़ेगा, अपनी अभिव्यक्ति की शैलियां अलग हो सकती हैं। कबीर मुक्तक रच रहे थे, उनका स्वर प्रखर हो सकता है, परंतु तुलसी प्रबंध काव्य रच रहे थे, उनका स्वर सौम्य हो सकता है, होना भी चाहिए। पर यह जब तक इस बुनावट को नहीं समझेंगे तब तक इन कवियों और इनकी रचनाओं के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। एक जगह एक 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 नए संदर्भ में मैं बात कर दूं कि जैसे आजकल विमर्शवादी साहित्य चल रहा है, आपको क्या लगता है कि यह अचानक उद्भूत खड़ा हो गया है, इसकी कोई परंपरा नहीं है? यह जो दर्द है, यह जो कचोट है, यह सिर्फ आज का स्वर है? ऐसा नहीं है। आप अपनी परंपरा में झांकेंगे तो आपको मिलेगा ऐसा प्रखर और विद्रोही स्वर हर जगह मिलेगा। खास तौर से मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि कई बार तुलसी को यह कह दिया जाता है कि उनके यहां यह स्वर नहीं है। मैं बता दूं कि समानता के नारे के साथ ही भक्तिकाल का उदय होता है और तुलसी के यहां यह पीड़ा सर्वाधिक देखने को मिलती है, पर वह सौम्य तरीके से है। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूंगा, यद्यप जग दारुण दुख नाना सबसे कठिन जाति अपमाना। मुझे कोई बताए कि इसमें गहरा अर्थ पिरोया हुआ है, कितना गहरा दर्द भरा है कि सबसे कठिन है जात के आधार पर किया गया अपमान। कौन सा दलित राइटर, कौन सा दलित विमर्शकार इस रचना से असहमत दिखता है, मुझे बताएं। और जो दर्द आप अभिव्यक्त कर रहे हैं वो सच है, ये क्या भोगा हुआ नहीं है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि सृजन निर्माण हर युग में साहित्यकारों ने अपने अपने तरीके से किया है, अपने समय के प्रश्नों से अपने अपने तरीके से उन्होंने उसके साथ टकराहट की है, जूझे हैं, बड़ी बात यह है। पर अगर आप सोचते हो कि भक्ति काल में यह स्वर अचानक आ गया है तो ऐसा भी नहीं। कबीर को कबीर जैसे आप कह रहे थे कि आदिकाल बिल्कुल निरर्थक नहीं है, आदिकाल में भले उस बड़ी उपलब्धियां न हो जिसपे हम बहुत ज्यादा इतरा सके, पर आदिकाल एक पृष्ठभूमि का निर्माण करता है जिसमें हिंदी साहित्य की जिस परंपरा पर आप नाच कर रहे हैं वो पृष्ठभूमि वहां पर दिखाई देती है। आप तो कबीर को कबीर नाथों और सिद्धों ने बनाया, कबीर को कबीर वैष्णवों का चिंतन बनाया, कबीर को कबीर शंकर का अद्वैत बनाया, तो ये अचानक नहीं हो जाता है, यह उस परंपरा। परंतु कबीर के इस चिंतन को कबीर के इस स्वर को समझने के लिए आपके अंदर परंपरा बोध होना चाहिए। मैंने मेरे पिछले सत्र में भी लोगों ने स्पष्ट किया, मैं फिर बता दूं कि परंपरा कोई जड़ वस्तु नहीं है, वो एक गतिशील तत्वों गतिशील विचारों की धारा है, परंतु उसमें क्या ग्रहण करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है, ये अगर विवेक आपके पास है तो आप सृजन धर्मी भी होंगे और सृजन को समझने की ताकत भी आपके अंदर होगी। और क्यों मैं इतना बल दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपके अंदर परंपरा बोध नहीं है तो आपके अंदर वह आत्मविश्वास आएगा ही नहीं। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है जिसके बल पर आप समय के प्रश्नों के साथ टकरा सकते हैं, कुछ निर्माण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मनुष्यता के मनुष्य होने के या मनुष्यता की खोज की सार्थकता का प्रश्न था। मैं चूंकि
समय कम है, इसलिए थोड़े से एक दो पॉइंट और रख दूं आपके सामने। जैसे कबीर की बात कर रहा था मैं, राम को लेकर के, जितना राम को उच्च मूल्य के रूप में, उच्च आदर्श के रूप में, उच्च प्रतिमान के रूप में तुलसी स्थापित करते हैं, उस राम को कबीर कहीं छोड़ते नहीं है। उस राम को उतना ही आदर के साथ कबीर भी लेते हैं। अब आप सोचिए कि अगर कबीर निर्गुण निराकार एक अलग धारा के थे तो उन्हें राम शब्द में इतना मोह क्यों था? वो उस परंपरा की ताकत से परिचित थे, उन्हें मालूम था कि इस जनमानस का जो मानस है वो कहां टिकेगा, कहां से रस प्राप्त करेगा और कहां से जुड़ेगा, उस ताकत को जानते थे। इसलिए वो उस परंपरा से उस राम को उठाते हैं और उसे भरने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी ताकत थी और ये बिना समझे बिना, तो कबीर को भी बिना परंपरा को समझे बिना आप कबीर को नहीं जान सकते हैं। अगर मैं उदाहरण दूं तो तुलसी कहते हैं कि समुझी गुण ग्राम राम के, उन अनुराग बढ़ाओ। लेकिन इसी को कबीर कहते हैं कि जा नरी राम भगत नहीं साधी, सो जन्मत काहे ना मुओ अपराधी। ये है, इसी प्रकार से भक्ति की बात है। तो जब बात आती है कि सेवक से कांत कांता भाव, अगर तुलसी में दिखता है तो कबीर में भी दिखता है। तुलसी कहते हैं कि तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, तो कबीर भी कहते हैं कि मैं गुलाम मुहि बेच गोसाई, वो कबीर कहते हैं। तो इस प्रकार माया को लेकर के ले लीजिए, ज्ञान को लेकर ले लीजिए, हर बिंदु पर तो समानता के ऐसे बिंदु हैं, चेतना का ऐसा धरातल हमें साहित्य में मिलता है जहां ये हमारे सृजन धर्मी, जहां हमारे ये रचनाकार एक साथ खड़े हैं। इनके अभिव्यक्ति की शैलियां अलग हो सकती हैं, इनके रूप अलग हो सकते हैं, पर इनके चेतना के बिंदु पूरा वैदिक काल तक, वहां से लेकर यहां तक आएंगे। मैंने जो अभी तुलसी की रचना का उदाहरण दिया, कबीर की रचना का उदाहरण दिया, भक्ति काल में जात पात पूछे नहीं कोई, जो समानता का उद्बोधन होता है, आप चले जाइए उपनिषदों में, वहां भी ये बात सुनाई देती है। ये जड़ कहां तक जाती है? आत्मोत् सर्वभूतेषु यस्य पश्यति पंडितः, वहां से आता है और यहां तक आपको लगातार दिखाई देगा। जो भक्ति काल में स्वर है, देखिए दो तरह से, एक उस समय के राजे रजवाड़ों के प्रति नकार भाव, उस समय के अखाड़ों के प्रति नकार भाव, और सीधे लोक जनमानस के बीच में अपने को खड़े करके एक नया स्वर देना, एक नई संस्कृत की रचना करना, और उसके लिए ताकत परंपरा से लेना, बड़ी बात थी। और यही बिंदु हमें आधुनिक काल में दिखाई देता है। जब स्वतंत्रता संग्राम चलता है तो अपने आत्मबल, अपने उत्साह, अपने आत्मविश्वास को बहाल करने के लिए हमें संस्कृत की ओर जाना पड़ता है, अपनी परंपरा की ओर जाना पड़ता है, और हमें दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक तरफ अंग्रेजों से और एक तरफ उस समय अपने व्याप्त सामंतशाही से। देखिए पैरलल चित्र देखिए, सेम वही रोल वहां पर भक्ति काल करता है और वही रोल यहां आधुनिक काल में हम लोग। तो इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है आप ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। और बहुत सारा कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं यहीं पर अपनी बात करता हूँ। राजेश गर्ग जी, परंपरा जड़ता का प्रतीक नहीं, मलखान सिंह जी, परंपरा जड़ता का प्रतीक नहीं, पर्याय भी नहीं, परंपरा विकास और परिवर्तन परिशोधन का पर्याय है, ऐसा आपका विचार है।